नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल में वॉलपेपर कैसे लगाते हैं बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल में वॉलपेपर लगाने का तरीका, सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। बिना कोई भी ऐप डाउनलोड किए हुए आप मोबाइल में वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सभी के फ़ोन में जो है सेटिंग रहता ही है दोस्तों, सेटिंग को आपको ओपन करना है। सेटिंग में चले जाने, थोड़े नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा वॉलपेपर एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन का ऑप्शन। दोस्तों किसी किसी के फ़ोन में यहाँ नहीं मिलता है, तो आपको मैं बता दूँ आपको कहाँ मिलेगा। आपको आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ जो यहाँ सेटिंग लिखा है यहाँ पर आपको सर्च आइकन अगर रहेगा आपके फ़ोन में तो यहाँ सर्च भी कर सकते हो वॉलपेपर, तो आपके सामने आ जाएगा। अभी मेरे में जो है ये दिखा रहा है, वो हर किसी के फ़ोन में जो है नहीं दिखाता है, इसलिए मैं आपको बता दूँ जो है आपको दिखा सकते हैं। सर्च आइकन में जाकर वॉलपेपर सर्च करके लगा सकते हैं। तो चलिए मेरे वॉलपेपर जो है ये आ गया, इस पर क्लिक करना है। यहाँ दो ऑप्शन आप देखिए देख सकते हैं, आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है ऊपर सिलेक्ट वॉलपेपर पे क्लिक करना है आपको। यहाँ करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, एक स्टैटिक एंड फोटोज़। यानी कि स्टैटिक वॉलपेपर वो होता है जो आपको मोबाइल कंपनी जो रहती है, मोबाइल कंपनी आपको वॉलपेपर जो मोबाइल कंपनी की वॉलपेपर रहती है वो आपको स्टैटिक वॉलपेपर में मिल जाएगा। और फोटो यानी कि जहाँ आप अपना खुद का फोटो या वगैरह वगैरह का अपने खुद का फोटो या किसी और का भी फोटो आप लगा सकते हैं वो वाला है। तो अभी हम स्टैटिक वॉलपेपर लगा के बताने वाले हैं। तो ओपन करेंगे इस ऐप्स, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इतने सारे जो है वॉलपेपर डाउनलोड मैंने कर रखे हैं पहले से। तो ये जो यहाँ दिख रहा है डाउनलोड मोड, डाउनलोड मोड पर क्लिक करके आप और भी बहुत सारे जो है मतलब अगर फोन में नेट रहेगा, इंटरनेट रहेगा, तो आप इसके वजह से और भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मनपसंद। अभी मैंने 6 डाउनलोड करके रख रखे हैं, तो 6 में से कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी जो है आपके सामने ये वाला वॉलपेपर लगा के दिखा देता हूँ, ये वाला वॉलपेपर आपके सामने लगा के दिखा देता हूँ। और सिंपल से कुछ नहीं करना है आपको, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, जो अप्लाई लिखा आ रहा है इस पर क्लिक करना है। कर देते हैं फटाफट, कर दिया आप। तो देखते हैं इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ बता रहा है आप लॉक स्क्रीन में आप लगाना चाहते हैं होम स्क्रीन में। तो दोस्तों लॉक स्क्रीन में कुछ इस प्रकार दिखेगा और होम स्क्रीन में कुछ आपको इस प्रकार दिखने वाला है। तो होम स्क्रीन ये होता है और लॉक स्क्रीन ये होता है, यानी आपका जब मोबाइल लॉक रहेगा तो आपके सामने ये वाला वॉलपेपर दिख जाएगा, और होम स्क्रीन में ये रहेगा जब आपको मोबाइल खोल दोगे तो ये वाला वॉलपेपर दिख जाएगा। तो मैं अभी जो है आपके सामने होम स्क्रीन में लगा के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए होम स्क्रीन पर क्लिक कर जाओ, यहाँ पर सेट आस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेट आस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ फिर से वही बता रहे हैं आप कहाँ लगाना चाहते हैं लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन। तो हम जो है नीचे तो थोड़ा टाइम लगा दोस्तों, ये देखिए लग चुका है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लगा कि नहीं लगा, दिखा देता हूँ, तुरंत लग जाता है, 1-2 सेकेंड भी नहीं लगने के लग जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ लगा कि नहीं लगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो है वॉलपेपर लग चुका है। तो इसी प्रकार अपने मोबाइल में आप सिंपल सा ट्रिक लगा के आप सिंपल सा जो है सेटिंग से ही लगा सकते हैं, बिना कोई भी ऐप डाउनलोड किए हुए लगा सकते हैं वॉलपेपर। तो देख सकते हैं दोस्तों फोटो वाला भी सेम उसी में जैसे लगेगा फोटो वाला भी अब देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे। ऐसी मस्त मस्त वीडियो लाता रहता हूँ, तो मैं मिलूंगा कोई मस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।